गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 12 टाइम एंड टुडेज टॉपिक इज 12 o'clock एंड 24 o'clock 12 o'clock एंड 24 o'clock। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? 12 o'clock और 24 o'clock के बारे में। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? कंसेप्ट ऑफ AM एंड PM, मीन्स AM क्या होता है, PM क्या होता है और हम उसे यूज़ कैसे करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? 12 o'clock एंड 24 o'clock के बारे में। तो आपको क्या करना होगा, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपको समझना है तो आपको इस वीडियो को क्या करना होगा, ध्यान से देखना होगा, सुनना होगा और समझना होगा कि मैं इस वीडियो में आपको क्या बता रही हूँ, कौन सा कंसेप्ट समझा रही हूँ। जब तक आप ध्यान से सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा और आपके सामने जो भी एग्ज़ाम्पल दिया जाएगा वो आप एग्ज़ाम्पल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना होगा और सुनना होगा कि मैं इस वीडियो में क्या बता रही हूँ आपको। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 12 o'clock एंड 24 o'clock। तो पहले हम पढ़ेंगे 12 o'clock। 12 o'clock In 12 o'clock, a clock shows the same time twice a day. So we write AM and PM. So we write AM and PM after the time. तो 12 o'clock का मतलब क्या होता है? In 12 o'clock a clock shows the same time twice a day, means 12 o'clock में जो clock है वो हमें जो timing दिखाती है, मतलब वो 2 times दिखाता है। same time मतलब एक जैसी timing हमें 2 बार में दिखाई देती है, जैसे एक बार morning में और एक बार इवनिंग में। जैसे 4 o'clock मॉर्निंग भी होता है और 4 o'clock इवनिंग भी होता है। तो सो वी राइट AM एंड PM आफ्टर द टाइम, इसलिए 2 times वो हमें टाइमिंग बता रही है, तो इसलिए हमें हम क्या करते हैं, उस टाइमिंग के बाद में AM और PM लगाते हैं, जिससे हमें पता चले कि वो टाइमिंग मॉर्निंग की है या इवनिंग की है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? 12 o'clock। 12 o'clock में क्लॉक शो द सेम टाइम ट्वाइस अ डे, मीन्स जो क्लॉक है वो हमें सेम टाइमिंग कितने बार दिखाती है? 2 times दिखाती है, मीन्स एक बार मॉर्निंग में, एक बार इवनिंग में। जैसे 11 o'clock मॉर्निंग में भी होता है और 11 o'clock नाइट में भी होता है। तो इसलिए वो टाइमिंग, वो मॉर्निंग है टाइमिंग या इवनिंग टाइमिंग है, इसके लिए हम क्या करते हैं, टाइमिंग के आगे AM और PM लगाते हैं, उसे हम कहते हैं 12 o'clock। क्या कहते हैं हम उसे? 12 o'clock, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था AM और PM के बारे में, तो वही हम 12 o'clock में यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे 24 o'clock। अब हम क्या पढ़ेंगे? 24 o'clock। तो जो 24 o'clock है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मीन्स कभी कभी हमसे 12 o'clock में मिस्टेक हो जाता है AM और PM को समझने में, तो इसलिए वो मिस्टेक ना हो इसलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, 24 o'clock यूज़ करते हैं। तो आज हम वही 24 o'clock के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो जो 24 o'clock है, इट टेल्स द टाइम फ्रॉम द मिडनाइट टू द नेक्स्ट मिडनाइट।
24 आवर क्लॉक हमें क्या बताती है? इट टेल्स, इट टेल्स द टाइम, द टाइम फ्रॉम द From the midnight, midnight to the next midnight. जो 24 आवर क्लॉक है वो इट टेल्स द टाइम फ्रॉम द midnight टू द नेक्स्ट midnight. मीन्स जो रात के मिड मतलब 12 बजे का जो midnight है वो नेक्स्ट मतलब दूसरी रात के जो मिडनाइट तक जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं? 24 आवर क्लॉक. मीन्स इट टेल्स द टाइम फ्रॉम द मिडनाइट टू द नेक्स्ट मिडनाइट. मीन्स आज रात के 12 o'clock मीन्स रात के जो 12 बजे का समय, फिर जो नेक्स्ट रात के 12 बजे का समय उसे हम क्या कहते हैं? 24 आवर क्लॉक. क्या कहते हैं हम उसे? 24 आवर क्लॉक. इन 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट, इन 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट फॉर्मेट वी राइट टाइम इन 4 digits. The first two digits show hours, and the last two digits show minutes. At the end of 4 digits, 4 digits we use hours instead of writing AM or PM. Means in 24 hour clock format we write time in 4 digits. जो 24 hour clock जो का फॉर्मेट होता है उसमें हम टाइमिंग कैसे लिखते हैं? 4 digits में. द फर्स्ट 2 digits शो आर्स. जो फर्स्ट 2 digits होती हैं वो क्या शो करती हैं? आर्स की टाइमिंग. द लास्ट 2 digits शो मिनट्स. और उसके जो बाद के जो 2 digits होते हैं वो हमें क्या बताते हैं? मिनट्स. एट द एंड ऑफ 4 digits और इस 4 digits के एंड के बाद वी यूज आर्स. हम क्या लगाते हैं उसमें? आर्स लगाते हैं उसके बाद. जब 4 digits कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं? आर्स. इंस्टेड ऑफ राइटिंग एएम और पीएम. जब हम 12 आवर क्लॉक यूज़ करते हैं तो हम एएम और पीएम लगाते हैं, बट जब हम 24 आवर क्लॉक का टाइमिंग यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे? टाइम 4 digits के बाद आर्स. क्या लगाएंगे हम? आर्स. क्या यूज़ करेंगे हम? आर्स. तो याद रखना है आपको 4 o'clock जो 24 hour क्लॉक है उसका फॉर्मेट होता है 4 digits. क्या होता है? 4 digits. मतलब उसे हम टाइमिंग कैसे लिखते हैं? 4 digits में. उसमें से जो 2 digits होती हैं, फर्स्ट 2 digits होती हैं वो आर्स शो करती हैं, मतलब आर्स वाली टाइमिंग शो करती हैं. और उसके बाद वाली जो लास्ट 2 digits होती हैं वो हमें क्या बताती है? मिनट्स. और जब वो 4 digits कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं? आवर्स. क्या लगाते हैं? आर्स. एच ओ यू आर एस. ठीक है, क्या लगाते हैं हम? आर्स.
तो याद रखना है 12 o'clock में AM और PM यूज़ करते हैं हम, और 24 o'clock में 4 digit के बाद हम आस लगाते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 20 o'clock में और 24 o'clock में क्या फ़र्क होता है। तो 24 o'clock में हम 4 digits के बाद आस लगाते हैं, और 24 o'clock में हम क्या करते हैं, AM और PM लगाते हैं, क्योंकि 24 o'clock हमें एक जैसी टाइमिंग टू टू टाइम्स दिखाती है। इसलिए हम मॉर्निंग वाले टाइमिंग में AM और इवनिंग वाले टाइमिंग में हम PM यूज़ करते हैं, और 24 o'clock हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अब कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं AM और PM में। तो वो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए बहुत से लोग 24 o'clock यूज़ करते हैं। तो 24 o'clock में हमें AM और PM यूज़ नहीं करना होता है। उसमें हम क्या करते हैं, 4 digits में हम टाइमिंग लिखते हैं, और उसके बाद हम आस लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 24 o'clock है, तो हम एक टाइमिंग में लिख रही हूँ यहाँ पर 2:30। तो ये क्या है, 2:30। तो हमें 24 o'clock यूज़ करना है, तो हम इसके बाद क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 2:30 hours। क्या लगाएंगे हम, आवर्स, ऐसे लिखेंगे हम 24 o'clock में। और 12 o'clock में हम AM या PM यूज़ करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।